हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारे एसके इलेक्ट्रिक वर्ल्ड चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का जो फ्रिज होता है उसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। हमारे काफ़ी दोस्तों का ग्रुप में कमेंट आया था कि सर हमें ये बताइए कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी फ्रिज को कैसे चेकिंग करना है, स्टेप बाय स्टेप बताइए। तो दोस्तों, ये जो आप कंप्रेसर देख रहे हैं ये हमारा डीसी कंप्रेसर है और देख रहे हैं आप ये चल रहा है, और ये हमारा यूवीडब्ल्यू की जो ये हमने जो अपना गैजेट बना रखा है, एक छोटा सा मॉड्यूल बना रखा है, ये आप लोग सभी वीडियो में देखते भी हैं। हमारा ये मॉड्यूल हम इस कंप्रेसर को चलाने के लिए यूज करते हैं, डिजिटल वाले का। तो ये आप काफ़ी सारे हमारे वीडियो में देख चुके हैं और काफ़ी हमारे दोस्तों ने ये प्रोडक्ट मंगवाया भी है, तो आप ऐसा प्रोडक्ट हमारे से मंगवा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि ये आप देख सकते हैं इसकी तीनों तारें हमारे यहाँ पे लगी हुई है UVW पे, और ये बता रहा है कि हमारे तीनों फेस बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये DC कंप्रेसर चल रहा है, और ये हमने यहाँ पे इसका जो जैक था वो लगा रखा है, और हमारा कार्ड चल रहा है। तो दोस्तों आज हम इसकी स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताएंगे कि इसमें कैसे फॉल्ट आता है, किस फॉल्ट की वजह से कौन सी LED ब्लिंक करती हैं, कितनी बार ब्लिंक करती हैं, तो ये सब हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए कंप्रेसर की कैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है, आप साउंड सुन सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कैसे कैसे, देखिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसका प्रेशर रोकता हूँ और कैसे इसकी स्पीड बढ़ती है। तो देखिए दोस्तों कैसे स्पीड बढ़ती है इसकी, देखिए दोस्तों कितनी स्पीड हाई हो चुकी है और अभी बिल्कुल और भी ज़्यादा हो गई है। तो दोस्तों इसके लिए अभी हमें इसे हम बंद कर देते हैं क्योंकि इसका हम आप कम्युनिकेशन वायर निकाल देंगे। ये देखिए दोस्तों कंप्रेसर काफ़ी हाई स्पीड पर चला गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा RPM है इसके। तो चलिए अभी इसे हम बंद कर देते हैं, हम मेन वायर नहीं निकालेंगे इसका, हम सिर्फ इसका ये वाला वायर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमारा कम्युनिकेशन वायर है। तो देखिए दोस्तों हमारा फ्रिज बिल्कुल बंद हो चुका है, ये हमारा जो इन्वर्टर बोर्ड है वो उसने इन्होंने ये हमारा कंप्रेसर बंद कर दिया। देख सकते हैं LED जो ग्लो हो रही थी वो भी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और जो भी नई वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी टेस्टिंग की। तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, जिससे आपकी AC और DC दोनों वोल्ट माप सकें। तो दोस्तों सबसे पहले आप अगर किसी कस्टमर के घर जाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो मैं थोड़ा यहाँ से दूर से बताने वाला हूँ आपको। अगर आप दोस्तों किसी कस्टमर के घर जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या पड़ेगा, सबसे आपको पहले आपको देखनी होगी इसकी पावर वाली लीड। ये हमारी पावर जो मतलब हमारी 220 वोल्ट की हमारी लीड होती है, ये हमारे पावर बोर्ड में जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब भी आप काम करें थोड़ा ध्यान से करें। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या है। सबसे पहले आपको अपने मल्टीमीटर को 750 वोल्ट पे रखना है, 750 वोल्ट पे। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा यहाँ नजदीक कर लेता हूँ कैमरे को और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपसे कुछ ना कुछ छूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसको अपने 750 वोल्ट पे कर लेते हैं और इसे हम ऑन कर देते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी मेन सप्लाई है वो आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम यही चेक करेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों देखिए हमारे 245 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा, ठीक है दोस्तों, अगर आपका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा तो इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, सिंपली आपको सबसे पहले इस छोटे वाले कार्ड पे आपको सप्लाई चेक करनी है इस वाले जैक पे। देखिए दोस्तों ये हमारा जो जैक होता है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 वायरें होती हैं दोस्तों, 1, 2, 3 जो हमारी ये तीन वाली वायरें होती हैं ये हमारी होती हैं दोस्तों UVW कंप्रेसर के लिए, यहाँ पे लिखा होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्रेसर की ये वायरें होती हैं और ये वाली वायर होती है हमारी मेन लीड की। तो दोस्तों जो कि हमारे इस पावर सप्लाई से करंट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम चेक करते हैं यहाँ पे भी 220 वोल्ट आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। दोस्तों अकेला हूँ इसलिए परेशानी हो रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे 250 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों हम आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो दोस्तों एक लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर किया करो। तो हमारा कन्फर्म हो चुका है कि हमारे इस वाले बोर्ड में और इस बोर्ड में दोनों में हमारा 220 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों अब हम इसमें चेक क्या करना होगा कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो हमारी ये वाली एलईडी है, जो ये वाली एलईडी है, जो ये एलईडी किस चीज एरर के बारे में बताती है। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसके पहले इस बोर्ड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो हमारी ये रेड वाली एलईडी है, ये इस बोर्ड के बारे में बताती है कि इसमें क्या फॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारी ये छोटे वाली एलईडी है इस पावर बोर्ड में, ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बताएगी कि इस बोर्ड में क्या फॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कौन से एरर का कौन सा पार्ट खराब होता है, किस पार्ट की वजह से कौन सा एरर आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पे भी वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहे हैं, पर हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप देखिए, आपने दोस्तों चेक किया कि यहाँ पे भी हमारे 220 वोल्ट आ रहे हैं पहले वाले दो वायर पे, और यहाँ पे भी हमारे 220 वोल्ट आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे दोनों पावर बोर्ड और इन्वर्टर बोर्ड में वोल्टेज आ रहे हैं। पर दोस्तों अब समस्या है कि हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा। ठीक है दोस्तों, कंप्रेसर नहीं चल रहा, तो अब जो हमारा ये कम्युनिकेशन वायर है, हमारा ये निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप कम्युनिकेशन वायर देख सकते हैं, ये हमारा नीचे वाला कम्युनिकेशन वायर होता है, मतलब इस पे लिखा आता है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए 5 वोल्ट ग्राउंड, और ये फीडबैक और कंप्रेसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीजें लिखी मिलेंगी आपको, देख सकते हैं आप, 5 वोल्ट ग्राउंड, आरपीएम और एफबी। तो दोस्तों इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा जानकारी दे देता हूँ, इसका मतलब होता है क्या है। दोस्तों जो फर्स्ट वाला, तो ये 5 वोल्ट आते हैं और ये ग्राउंड होता है इसका, एफबी का, आरपीएम का मतलब होता है दोस्तों इसकी स्पीड कंट्रोल करना, और एफबी का मतलब होता है शॉर्ट, ये दोस्तों शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है एफबी, एफबी का मतलब होता है फीडबैक। तो दोस्तों ये हमारा इसका पूरा स्ट्रक्चर है, और मैं आपको बता रहा था कि ये कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम कम्युनिकेशन वायर लगाएंगे, और जो नीचे हमने ये मॉड्यूल लगा के रखा है अपना 6 एलईडी वाला, ये भी देखेंगे ग्लो करता है या नहीं करता, और कंप्रेसर चलता है या नहीं चलता। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसे लगाते हैं, ये हमने लगा दिया है, वेट करते हैं। ये देखिए वो एलईडी ग्लो हो गई है, और यहाँ पे भी हमारा रेड इंडिकेटर ऑन हो चुका है, और ये देखिए आप दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, और हमारा मॉड्यूल भी बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपको ये मॉड्यूल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9993267050 9993267050 पे कॉल कर सकते हैं, और दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप हमें सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज ही कीजिएगा अगर आपको कोई मॉड्यूल चाहिए। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि कौन से सेंसर की वजह से ये एलईडी कितनी बार ब्लिंक करेगी। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता कि कौन से पार्ट खराब होने से कितनी बार एलईडी ब्लिंक करती है। तो दोस्तों जैसे ही हमारा कंप्रेसर चल रहा है, तो अभी हम इसके जान लेते हैं कि ये हमारा जो देखिए व्हाइट वाला वायर है, जो व्हाइट सेंसर मतलब आउटडोर सेंसर का है, तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए एग्जिट सेंसर मतलब बाहर का सेंसर। तो दोस्तों अभी हम इसमें क्या करेंगे, इस सेंसर की वायर निकाल देंगे, और ये एलईडी देखेंगे कितनी बार ब्लिंक करती है। तो दोस्तों देखिए ये एलईडी अभी ब्लिंक करने लगी है, 1 2 3, तो दोस्तों ये 3 बार एलईडी ब्लिंक कर रही है, 1 2 3, देखिए अभी, तो दोस्तों ये 3 बार ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये हमारा आउटडोर सेंसर खराब है। 3 बार एलईडी ब्लिंक करेगी कि तो हमारा आउटडोर सेंसर खराब। अभी देखिए हमने लगा दिया है, अभी कोई ब्लिंकिंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, पार्ट 2 में आप मुझे वहां पे मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा पार्ट 2 देखिएगा।